नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो बीएड में जो सीट खाली है उसमें एडमिशन ले सकते हैं क्या, और क्या बीएड अगले साल 4 साल की होगी, तो इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और इसमें हम बात करेंगे 5,000 रुपये रिफंड कैसे होंगे जो आपने जमा करवाए थे। जिन स्टूडेंट का कॉलेज अलोमेंट हो गया है वो अपनी 22,000 रुपये 5,000 रुपये पेमेंट का भी नोइस डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे सभी को पता है लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट, आपके मन में एक ही सवाल है कि अगले साल बीएड 4 साल की होगी या फिर 2 साल की। इस बारे में हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूरी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एजुकेशन संबंधित पल पल की जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पे पाने के लिए। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस कॉलेज में जो सीट खाली है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट। दोस्तों, आप सीधे एडमिशन बीएड का किसी भी कॉलेज में नहीं ले सकते हो। जो ये बीएड का प्री टेस्ट पास करने में और काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटमेंट होती है उसी रूल के अनुसार एडमिशन लेना होता है। आप डायरेक्ट किसी भी कॉलेज में बीएड में एडमिशन राजस्थान में नहीं ले सकते। अगर किसी बीएड कॉलेज में सीट खाली रह जाती है तो वो सीट खाली ही रहती है, उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। और अब हम बात करते हैं आपका 5,000 रुपये रिफंड कैसे होगा। दोस्तों, इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको 5,000 रुपये बाय चेक आपके परमानेंट एड्रेस पर आएगा। बाय चेक से 5,000 में से 200 रुपये काट के 4,800 का चेक आपके परमानेंट एड्रेस पर आ जाएगा। अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई है, तो अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गई थी और आपने एडमिशन नहीं लिया है तो 4,800 रुपये का चेक आपके परमानेंट एड्रेस पर आ जाएगा। अगर आपने 22,000 रुपये जमा करवा दिए और कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं लिया तो आपके 22,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे। आपके टोटल रिफंड जो होंगे वो होंगे 26,500 रुपये। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया और एडमिशन फीस है वो जमा करवा दी तो प्लस में 5,000 आपके जमा की हुई है। अगर आपको एडमिशन नहीं लिया किसी भी कॉलेज में और रजिस्ट्रेशन करवा दी और फीस जमा कर दी है, रजिस्ट्रेशन करके फीस जमा कर दी है, तो आपका 26,500 रुपये का चेक आपके परमानेंट एड्रेस पर आ जाएगा। और चेक जैसे ही ये काउंसलिंग खत्म होगी उसके ठीक 10-15 दिन में आपके परमानेंट एड्रेस पर आपका चेक है वो आ जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले साल में बीएड 4 साल की होगी। तो दोस्तों, अगले साल जो बीएड है वो 4 साल की नहीं होगी, बीएड 2 साल की होगी। इसमें आपको मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि बीएससी एंड बीएड या बीए बीएड की जो कॉलेज है वो अलग होती है और बीएड से अलग होती है, और बीएड की जो कॉलेज होती है वो अलग होती है। जो बीएड की कॉलेज है वो अन सिटी के द्वारा उनको बीएड के लिए मान्यता है, बीए बीएससी बीएड के लिए उनको अन सिटी के द्वारा अलग प्रकार से मान्यता है। अगर बीएड 4 साल की हो जाएगी तो बीएससी बीएड तो टोटल कॉलेज है वो बहुत हो जाएंगी, तो इसलिए बीएड है वो 2 साल की ही रहेगी। बीए बीएससी बीएड है इंटीग्रेट कोर्स है, ये सिर्फ 4 साल का ही होगा। क्योंकि अगर 4 साल की हो जाएगी बीए स्टूडेंट दोबारा थोड़ी ना करेगा या बीएससी दोबारा थोड़ी ना करेगा, वो तो बीएड ही करेगा। तो बीएड है वो नेक्स्ट ईयर 2 साल की होगी, आप टेंशन ना ले। तो आप सबकी इस जो ये कोरोनाएं इसकी तैयारी में लग जाए, इस बात पर आप ज़रा भी मनन ना करें। तो आपके ये सवाल थे, इनका मैंने जवाब दे दिया। तो आपका बहुत हमारे को सहयोग मिला है और आपका आशीर्वाद बना रहा है और आगे भी बना रहे। इसके लिए आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए पीटीईटी संबंधित पल पल की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपके मन में जो भी सवाल है उसका आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उनका मैं सबसे पहले आपको जवाब दूंगा।